सेटअप हो। क्या है ये? तो सीन कुछ ऐसा है कि आप अपना सेटअप दिखाओ और लेकर जाओ प्राइसेस। हम कुछ क्रिएटर्स हैं जो इस पर साथ में काम कर रहे हैं और कुछ बड़ी कंपनीज भी है जो हमें इसके लिए स्पॉन्सर कर रही है, ताकि हम आपको और भी अच्छा एक गिव अवे दे सकें। और वीडियो एंड तक देखना, नहीं तो आप कोई चीज मिस कर सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है इस वीडियो के लिए। सो मैं हूं ऑल्ट और आप देख रहे हो ऑल्ट्री के यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हम छोटे क्रिएटर्स ने इतना बड़ा जो गिव अवे हो रहा है इसे पुल ऑफ किया है और ये इनकी मदद से ही पॉसिबल हो पाया है। हमारे साथ में है AMD, GameDS, Johnsbo, Red Gear, Chiptronics, और GenuineKey.in। तो ये थे हमारे कुछ स्पॉन्सर्स। इन सब लोगों का दिल से शुक्रिया इस सीरीज को स्पॉन्सर करने के लिए। सो थैंक्स टू ऑल द कंपनीज हु स्पॉन्सर दिस। हम इसमें 7 क्रिएटर्स हैं, जो कि है टेक ड्रीम्स, टेक फेस, टेक सुविधा, टेक फ्रेम, द टेक नेशन, पीसी वाले और मैं ऑल्ट्रिगर। ये सारे लोगों का महत्वपूर्ण हाथ है इस सीरीज के पीछे। इन सारे चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप वहां पर जाके इन्हें चेक कर सकते हो, और ये उनके वजह से ही आखिर में पॉसिबल हो पाया है। तो इधर हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं सेटअप वॉर के लिए। तो सबसे पहला है हमारे पास द बेस्ट कॉन्टेंट क्रिएशन PC, सेकेंड नंबर पर है हमारे पास द बेस्ट गेमिंग PC, उसके बाद है हमारे पास द लो बजट ओरिएंटेड PC, और जो लास्ट और फाइनल नंबर पर है वो है हमारे पास न्यूबियस पटेटो PC। ज्यादातर लोगों का यही होगा न्यूबियस पटेटो PC, मुझे पता है ज्यादातर लोगों का यही होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंटेंट क्रिएशन PC के बारे में। अगर आप इस कैटेगरी की एंट्री करना चाहते हो तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका PC एक काफी केपेबल PC हो वीडियो एडिटिंग में और कोई भी तरीके के कॉन्टेंट क्रिएशन में। अगर आपका PC केपेबल होता है तो आप प्राइजेस जीत सकते हो। सो इसके बाद है हमारे पास द स्ट्रॉन्गेस्ट गेमिंग PC। इसकी रिक्वायरमेंट्स ये है आपको कि आपका PC एक काफ़ी केपेबल PC होना चाहिए। आपका PC अगर लुक्स में अच्छा नहीं है, एस्थेटिक्स में अच्छा नहीं है, चलेगा, लेकिन क्या है कि आपका PC केपेबल होना चाहिए गेमिंग करने में बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा फ्रेम्स के साथ में। सो इसमें हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे उन लोगों को जिनके पास एक बहुत ही ज़्यादा हाई एंड PC है। सो अगर आपको लगता है कि आपका PC बहुत ही हाई एंड है और वो काफी अच्छी गेमिंग कर सकता है बहुत अच्छे FPS के साथ में और बहुत अच्छी सेटिंग्स के साथ में, तो आप इस सेटअप वॉर के सीरीज में एंटर कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास द लो बजट ओरिएंटेड गेमिंग PC। सो इसमें उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे जिन्होंने बहुत कम प्राइस में काफी अच्छा PC बिल्ड किया है। मतलब PC लो एंड होगा, लेकिन कुछ ऐसा लो एंड होगा कि आप इसमें काफी सारे मॉडर्न गेम्स खेल सकते हो और काफी अच्छे बजट के साथ में आपने इसे बिल्ड किया है। सो अगर आपको लगता है कि आपका PC इस कैटेगरी में फिट होता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का फिट होता होगा, तो आप इसमें भी एंटर कर सकते हो। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है द न्यूबियस पटेटो PC। अब नाम से आपको पता चल गया होगा कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट कैसी होगी। अब ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिनके पास PC तो है लेकिन वो ना के बराबर का है। आप उसमें मॉडर्न गेम्स नहीं खेल सकते हो और ना ही कोई अच्छा है कोई और काम करने में, यानी कि ना ही वीडियो एडिटिंग, ना ही बस एक PC है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नॉर्मल सा PC है, बेसिक PC है। और अगर आपको लगता है कि आपका PC वाकई एक पटेटो PC है, तो आप इस वाले सेटअप वॉर में एंटर कर सकते हो। अब ये तो हो गई सारी बात कैटेगरीज की, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट होगी ये सबसे बड़ा मैटर करता है। सबसे पहली बात तो सारे के सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना जरूरी है, इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है, और आपको इसे शेयर भी करना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एंट्री मिल सके और अगली बार अगर हम करें ऐसी कोई सीरीज तो हमें और ज्यादा अच्छा गिव अवे देने का चांसेस मिले। तो आपको कुछ चीजें हमें सेंड करनी है। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको 30 सेकंड की एक वीडियो क्लिप बनानी है अपने सिस्टम की और हमें वो सेंड करना है, और आपको वो दिखाते हुए और समझाते हुए चलना है। और सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 4 फोटो देनी होगी अपने सिस्टम के, एक तो अंदर की मतलब CPU के अंदर की, ताकि हम उसके देख सके कि आपने क्या क्या पार्ट लगाया हुआ है, और पूरे सेटअप की 4 दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हमें फोटोज दो ताकि हमें एक बेसलाइन मिले कि भाई आप क्या क्या यूज कर रहे हो। और थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि आपको CPU-Z और GPU-Z दोनों का स्क्रीनशॉट निकालकर हमें भेजना है,
ताकि हमें आपका सीपीयू और जीपीयू के बारे में मालूम पड़े। और एडिशनली अगर आप समझो कि आप कंटेंट क्रिएशन के लिए एंट्री मारने वाले हो, तो आपको हमें सिनेबेंच का स्कोर दिखाना होगा और उसका स्क्रीनशॉट करके एक भेजना होगा। और या तो फिर अगर आप एक गेमिंग पीसी या लो बजट ओरिएंटेड गेमिंग पीसी वाला एंट्री मारने वाले हो, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको हमें 3D फायर स्ट्राइक बेंचमार्क दिखाना होगा विद स्क्रीनशॉट्स के साथ में। और जो नूबियस पोटैटो पीसी है, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस CPU-Z और GPU-Z दोनों का बेंचमार्क का स्क्रीनशॉट हमें सीधा सीधा दिखा देना है। ये गिव अवे में हम हर एक कैटेगरी में से 3 विनर्स को सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि जितनी भी कैटेगरी है हमारे पास, जैसे पोटैटो पीसी है, हमारा हाई एंड गेमिंग पीसी वगैरह है, और लो एंड जो भी है मतलब, और कंटेंट क्रिएशन, तो ये सारे में से हम 3 विनर चूज करेंगे, मतलब हमारे टोटल 12 विनर रहेंगे इस गिव अवे के लिए। लेकिन हम एडिशनली जो रनर अप रहेगा, फोर्थ पोजीशन पर आएगा, उसे हम एडिशनल गिफ्ट देंगे, मतलब टोटल 16 गिव अवे होंगे और विनिंग प्राइस भी काफ़ी अच्छी। तो आप ये बात सब ध्यान में रखना कि आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जीत सकते हो इससे। ये गिव अवे पूरा एक मंथ तक चलेगा, यानी कि पूरा एक अच्छा महीना, और हम इस मंथ के एंड में विनर्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम विनर्स को अनाउंस कर देंगे। और गाइज, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज हम हर साल लेकर आए और हर साल एक बड़ा सा गिव अवे करें अपनी कम्युनिटी के लिए। और अगर आप भी ऐसी ही सोचते हो हमारी तरह, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फैला दो वीडियो को, वायरल कर दो, शेयर करो उन लोगों को जिनको वाकई ज़रूरत है। सो होप करता हूँ आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया होगा और आप पूरी डिटेल्स समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डब्स है, तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, आओ नीचे, जो भी आपको पूछना है आप बिंदास पूछ सकते हो, आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अब दंगल होगा इंडियन सेटअप वॉर का भाई। सो लेट्स स्टार्ट द इंडियन गेमिंग सेटअप वॉर।